बड़वानी जिले में समर्थन मूल्य से कम कीमत पर मक्का बेचने को किसान मजबूर हो रहे हैं। मंडियां बंद होने से औने पौने दाम पर मक्का बिक रही है, फिर भी 1200 से ज़्यादा में दाम नहीं मिल रहे हैं। सरकार की योजना धरातल पर दम तोड़ती नजर आ रही है। सरकार ने मक्का का समर्थन मूल्य 1850 रुपये तय किया है, लेकिन किसान को समर्थन मूल्य का भाव नहीं मिल रहा है। इस मामले में भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष का कहना है कि सरकार को चौथा अध्यादेश भी लाना होगा, जिसमें एक एक्ट बनाना होगा कि किसान की फसल समर्थन मूल्य से कम में बिक पाए। बड़वानी से अतुल कुमाउत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मनसाराम पंचले, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष बड़वानी। मक्का को लेकर क्या कहूँगा? मक्का को लेकर ये कहूँगा भाई साहब कि हमारे किसानों का आज मक्का पक कर तैयार है। आज मंडियाँ बंद हड़ताल के कारण और व्यापारी और मंडियों के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण एवं लॉकडाउन के कारण काफ़ी कम भाव में बेचनी पड़ी। जैसे समर्थक मूल्य 1850 रुपये है, इस बार सरकार ने ना तो समर्थक मूल्य पे खरीदी की, ना किसानों से पंजीयन किया, ना भावांतर योजना का लाभ की कोई योजना किसानों को तक आई है अभी तक। नया कानून आया है, इस पर क्या कहूँ? नया कानून आया है उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लाई है, केंद्र सरकार एक चौथा अध्यादेश ला के समर्थक मूल्य से कोई किसान की फसल ना बिके इस पर कानून बना के उस पर कठोर कार्रवाई करने का प्रावधान होगा। जब भी किसानों की फसलें MSP पे और MRP पे बिकेगी, नहीं तो ऐसे ही 1100-1200 में बिकती रहेगी। जो 1860 की मक्का है 1850 रुपये की, वो आज 1100-1100 रुपये में बिक रही है, तो आधे भाव में बिक रही है मक्का आज। और गत वर्ष इसी मक्का का भाव 1900-1800 रुपये में गत वर्ष चल रही थी इसी सीजन में। किसान परेशान है? किसान क्या आप करा, किसान इसलिए परेशान है कि इस बार अति वर्षा होने के कारण ना तो फसल उचित पक पाई। जो एक हेक्टर में 10-12 क्विंटल मक्का पकना था वो 7-8 क्विंटल ही पक पाई है, तो अपना किसान का खर्च भी निकल नहीं पाएगा उसमें। लोकेश कुशवाहा। क्या क्या बेच के आए? मक्का बेच के आए जो 1150 रुपये बिका है, गत वर्ष वही मक्का 1900 रुपये के भाव में बेचा था। इस वर्ष मंडियों में हड़ताल होने के कारण व मंडियाँ न खुलने के कारण मक्का 1150 रुपये का बेचना पड़ा, जिससे हमें भारी नुकसान हुआ है। जी, मेरा नाम जितेंद्र कुशवाहा, पिता अमरलाल कुशवाहा। क्या भाव से मक्का बेच के आ रहे? सर, मक्का बेची 8 रुपये किलो में। क्या कारण रहा कि इतनी सस्ती बेची? कारण यही रहा कि जैसे पहले तो लॉकडाउन चला करा, और लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके बाद में जो है वो हड़ताल चली मंडियों की, और उसका समर्थन मूल्य भी 1850 है, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। सरकार ने खरीदी भी नहीं करी है, और अब किसको दे मक्का? सरकार खरीद नहीं रही है, और मजबूरी में बेचना पड़ा। 2 एकड़ में लगाई थी तो करीबन 15 क्विंटल निकली। विपिन सुगंधी है, मैं राजपुर जिला बड़वानी से एक व्यापारी हूँ। कितना माल आ रहा है मक्का? कितनी मक्का का पिछली बार से उत्पादन जो है वो बहुत इफेक्ट हुआ है। माल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़राब हुआ, क्योंकि बहुत समय तक लंबे समय तक बारिश हुई है, तो माल भी मतलब बहुत ज़्यादा गीला होने वजह से वापस दोबारा उगने लग गया है, मतलब भुट्टों में ही उगने लग गया है। इस कारण से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है उस चीज़ का। अभी क्या रेट चल रहा है? अभी रेट चल रहा है 1000-1200 रुपये तक का भाव चल रहा है। माल में मॉइस्चर आने की वजह से माल का रेट कम होता है और काला दाना वगैरह आ जाता है, तो जिस वजह से अच्छी अच्छी जो मतलब जैसे गोदरेज हुआ, तिरुपति स्टार्च हुआ, इन क्वालिटी को हल्का माल नहीं चल पाता, इस कारण से उस क्वालिटी के भाव कम होने की वजह से। जैसे समर्थन मूल्य की बात करें तो इस बार 1850 रुपये निर्धारित हुआ। नहीं, समर्थन मूल्य निर्धारित हुआ है, बट आगे हमको जिन प्रायोरिटी को बेचना है, जहाँ बड़े बड़े महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, जहाँ अधिकतर मक्का की खपत होती है, इन जगहों पर मतलब मक्का का अच्छा भाव नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ना तो आगे सेल आउट कुछ अच्छी हो रही है, क्योंकि प्रायोरिटियाँ बहुत लंबे लंबे समय तक उधारियाँ बढ़ गई हैं इन लोगों की, प्रायोरिटियों की पेमेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इसलिए भाव की दिक्कत आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।